क्या खूबसूरत फील है माशाल्लाह। ये एक और गेट देख सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे हैं इस पूरे रीजन में। इस जगह का नाम क्या है? पुराना तुलेन। नया कहाँ है? नया तुलेन। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम दावर गुरेज। कल शाम को मैं यहाँ पहुँचा और आज हमारा इरादा है तुलेल वैली को एक्सप्लोर करना, जिस मकसद से हम घर से निकले थे। तो मैं नहीं मुनासिब समझूंगा कि तुलेल वैली को एक ही ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से तुलेल के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तुलेल एक काफ़ी खूबसूरत इलाका है और देखने लायक है। मैं समझता हूं कि इस रीजन में दावर जो है ये एक बेस कैंप है, और असल में खूबसूरती जो है वो दावर से आगे जब हम तुलेल की तरफ जाते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। चले करें शुरू, मिलते हैं सीधे मोटरसाइकिल पर। हमने अपना मोटरसाइकिल कोल्ड स्टार्ट पर रखा है और ये हम रेडी हो चुके हैं। टेम्परेचर एक और डिजिट बढ़ेगा फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो लॉन्ग जर्नी है आज, डिफरेंट रूट्स होंगे, मोटरसाइकिल वार्म अप होगा तब मजा आएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह चले जी, हो गया हमारा सफ़र तुलेल वैली की तरफ स्टार्ट। लेकिन यार यहाँ पे तो मैं हैरान होके रह गया, क्योंकि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट, इतने होटल्स, मैं कह ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है ना गुरेज़ का फ्रॉम डे वन कि यहाँ पे क्या कैसे होता था और आज क्या हो रहा है। तो कोई VIP मोमेंट मुझे लग रहा है यहाँ पर है, दैट्स वाई यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह है। चलो चलो बिस्मिल्लाह। तुलेल वैली एक अलग तहसील है और एक अलग वैली है, गुरेज वैली एक अलग तहसील है। तो तुलेल में वो पुराना जो उनका रहन सहन अभी भी मौजूद है, और यहाँ पे जो है दावर में वो चीज़ें जो है अभी ख़त्म हो रही हैं। और मौसम बड़ा सुहाना माशाल्लाह, और सीन्स भी बड़े खूबसूरत। ये देखो भाई कितना साफ साफ पानी आ रहा है, और ये ऑटम की शुरुआत गुरेज़ वैली में हो चुकी है। तभी मैं कहता हूँ कि गुरेज़ वैली में आज के टाइम पे आना चाहिए। एक तो आपको होटल सस्ते मिलेंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, और हर तरफ से कलरफुल सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से अछूरा और लास्ट विलेज चोरवन जाते हैं, आज के टाइम पे किसी को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो स्टार्ट होता है। तो गुरेज़ सारा जो है वो एक काफ़ी हसास इलाका है। ओहो माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, वाओ। आज के टाइम पे इस किशनगंगा रिवर का पानी बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, और आज के टाइम पे इसका कलर जो है ना ये ग्रीन ग्रीन होता है, साफ शफाफ होता है। ये रीजन ना बिल्कुल डिफरेंट है बाकी रीजन्स के मुकाबले में। इसके लैंडस्केप्स और ख़ासकर ये जो किशनगंगा बहता हुआ है ना, ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। एज अ बाइकर मुझे यहाँ बार बार आना पसंद है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट जगह है। चेक वाली यहाँ से लास्ट विलेज पड़ता है, जिस तरह द्रास वाले साइड से मुश्को वैली, और बीच में जो रास्ता पड़ता है ना वहीं से काबुल पास भी पड़ता है, जहाँ से किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। हमने भी बहुत बार कोशिश की थी लेकिन हमें आज तक अलाउ नहीं किया गया था। जब मैं मुश्को वैली गया था लास्ट टाइम लद्दाख वाली सीरीज़ में, तब मैंने आपसे कहा था कि चक वाली साइड जाऊंगा और फिर कंपेयर करूंगा मैं मुश्को खूबसूरत है या अपना चक वाली। तो आज चक वाली चलते हैं और देखते हैं कि दोनों में से सबसे खूबसूरत इलाका कौन सा है। तो भाई देवे यहाँ से खूबसूरत नज़ारों को आप इन्जॉय करते रहें, और हम भी अपनी राइड को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से एंजॉय करते आगे बढ़ रहे हैं। अपने एडवेंचर 390 पे तो मैं सोलो पहली बार जा रहा हूँ। लास्ट टाइम हम गए थे जब मेरे साथ मेरे दो और साथी थे, तब हम अक्टूबर में आए थे। उस दिन हमने नाइट स्टे यहीं तुलेल में किया था। तो आज सोलो फर्स्ट टाइम यहाँ की, और ओहो क्या खूबसूरती है।
अच्छा रोड होने से आपके फासले कम होते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो आज चेकवाली करके वापस घर भी पहुँच सकता हूँ। ये बेनिफिट्स हैं अच्छे रोड्स के। काबुल गली यहाँ से 63 है और चेकवाली 46 किलोमीटर्स। और ये खूबसूरती है गुरेज वैली की भाई, ये देखो यहाँ से अलग लैंडस्केप्स, इस साइड से अलग लैंडस्केप्स। और एक सबसे बड़ी बात कि जो ही हम आगे जाएंगे ना, एक साइड हमें पूरे डेंस फॉरेस्ट्स मिलेंगे और एक साइड से पूरे जो है वो साफ़ो शफाफ जंगलात मिलेंगे, मतलब बिल्कुल क्लियर, वहाँ कोई पेड़ वगैरह होता ही नहीं है। क्या खूबसूरत फील है माशाल्लाह। यहाँ पे एक फोटो तो बनता है भाई। ये कलर्स देखो भाई कितने निखर के आ चुके हैं, ब्यूटीफुल। ये चेक करो जी इस रॉक का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। और यहाँ पे हमने कुछ फोटोज वगैरह लिए हैं। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत सीन्स माशाल्लाह। माशाल्लाह ये जो रॉक है ना, यही गेटवे ऑफ तुलेल है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक ये गुरेज वैली के साथ पड़ता है और इसके बाद जो है वो तुलेल वैली स्टार्ट होती है। बिस्मिल्लाह। और वो जो बस्ती आप देख रहे हैं ना, ये है तुलेल वैली की पहली बस्ती बरनाई। और यहाँ से चेक आप कर सकते हैं कितने खूबसूरत सीन्स हैं माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि मैं वहाँ से जाऊँगा नीचे, मैं गांव के अंदर जाने की कोशिश करूँगा। तुलेल वैली का पहला जो गांव भरना ही पड़ता है, क्योंकि अंदर के सीन्स आज तक कभी हमने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, आज मैं भी पहली बार जाऊँगा। तो ये यहाँ पर भरने की जामिया मस्जिद, और ये चेक करो भाई, आज मैं हैरान हूँ, सितंबर का महीना चल रहा है और मक्की इतनी ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। यहाँ पे तो मोस्टली अगस्त के महीने में जो है वो हार्वेस्ट स्टार्ट होता था, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, मतलब जो आज का टेम्परेचर वगैरह है उसके लिहाज से। और वो ब्रिज चेक करो यार, क्या स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पर भरने का प्ले ग्राउंड है और बस्ती वहाँ से ले कर यहाँ तक है, और तुलेल वैली का पहला विलेज। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? आप ठीक है? चलो जी, लोग यहाँ से ना एंजॉय कर रहे हैं और खूबसूरती चेक कर यार माशाल्लाह। इस पूरे इलाके की लाइफ लाइन है लकड़ी, क्यों यहाँ पे 12-12, 15-15 फीट बर्फ होती है, और ऐसे वुडन स्ट्रक्चर्स अभी हमें आगे देखने को मिलेंगे। ऑफ रोड के मज़े शुरू। ये मैं पीछे बात कर रहा था ना कि ये काफ़ी हसास इलाका है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी जो है वो तार लगाई गई है, गेट लगा हुआ है। ये देखो जी क्या लैंडस्केप्स हैं, खूबसूरत खूबसूरत। ये रास्ता हमने हमेशा ख़राब देखा है। ये एक और गेट देख सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे हैं इस पूरे रीजन में। और यहाँ पे मुझे अपने साथियों की याद आ गई, ईशान, दानिश और इशफाक, जब हम पहली बार इस साइड आए थे तब वो हमारे साथ थे। तो होप करते हैं कि आने वाले टाइम में फिर से हम एक बार इस इलाके पे ना साथ में राइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बिस्किट दो मुझे, मुझे बिस्किट दो, भूख लगी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? क्या नाम है आपका? मेरा
मेहराज। ठीक ठीक ठीक। इस जगह का नाम क्या है? पुराना तिलेल। पुराना नया कहाँ है? नया तिलेल। नया तिलेल वहाँ आगे है। चलो ठीक है। सो गाइस, इस जगह का नाम है जी पुराना तुलेल। यहाँ हम पहुँचे, लेकिन यहाँ पे धूप ना हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी। ऊपर से हमने जो है विंटर लाइनर्स भी लगाए हैं, तो ये यहाँ का मामूल है। मतलब पूरे गुरेज वैली, तुलेल वैली में आपको जो है ना दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप मिलेगी और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड। तो करते हैं इस तुलेल वाली सीरीज़ के पहले एपिसोड को यहीं पर ख़त्म। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, जिसमें हमारी जर्नी यहाँ से आगे किसी और जगह की तरफ होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये इस तरह का कुछ इनका जो है वो रहन सहन होता है। क्या फील है माशाल्लाह। शीना बोलते हो? हाँ। फिर उर्दू? हाँ। उर्दू शीना। हाँ। थूम नाम जो खून। हाँ? जी भाई ने हमारे लिए नमकीन चाय और हाथ की बनी हुई रोटी पेश की है। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपना मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ चुका हूँ।